हेलो फ्रेंड्स, तो इस बरसात के मौसम में आपको भी कुछ चटपटा और टेस्टी चीज़ें खाना है तो फटाफट से इस मुंबई स्टाइल सैंडविच की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। दोस्तों, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, उसमें मैंने ऐड किया ढेर सारी हरी चटनी। ये मेरी घर की बनी हुई हरी चटनी है दोस्तों। हरी चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद हमें गाजर, प्याज, टमाटर, उबला हुआ आलू, जो जो आपके पास हो या जो जो आपको पसंद हो, उसे हमें स्लाइसेस में कट करने हैं और इसे ब्रेड के ऊपर हमें अच्छे तरीके से सजा लेना है। बीच बीच में हम थोड़ा सा चाट मसाला का लेयर लगा देंगे ताकि इससे फ्लेवर अच्छा आए। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा चीज। अब लास्ट में बस हम एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे और अपने ब्रेड को अच्छे तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, हमारा सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड किया है और जो सेव भुजिया आता है ना, आलू भुजिया जिसे आप कहते हैं, वो हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेंगे। और हमारा चटपटा सा क्रिस्पी सा मुंबई स्टाइल सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।